आइए आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स कांड में हर रोज नए मोड़ आते जा रहे हैं और इन नए मोड़ों की जरिए लड़ाई कहां से कहां पहुंच गई है, इस बात का अंदाजा आप नवाब मलिक के उन आरोपों से लगा सकते हैं जिनमें एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लाखों रुपयों की कीमत के जूते और कपड़े पहनने का आरोप लगा दिया गया। बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी से शुरू हुई लड़ाई अब एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर आकर थम गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार हमले कर रहे हैं। उनके ताजा हमले अब समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों का जवाब उनकी बहन यास्मीन ने दिया है। मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए और वही कपड़े वो पूरे एक साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए। सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े नियमों के मुताबिक हर साल अपने विभाग को अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी मुहैया कराते हैं। इसके मुताबिक समीर वानखेड़े के पास 4 एकड़ जमीन है। ये पारिवारिक संपत्ति महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है। 17 साल पहले 2004 में समीर को एक घर मिला था। 800 स्क्वायर फीट का घर उनकी मां जाहिदा ने दिया था। मुंबई में ये घर समीर और उनकी मां के नाम पर है। मां जाहिदा वानखेड़े के नाम पर 1999 में एक फ्लैट लिया गया। 700 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट भी समीर वानखेड़े के पास है। समीर की आंटी के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उनकी मौत के बाद उनका 1000 स्क्वायर फीट का दफ्तर भी समीर को मिला है। नवी मुंबई में 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट भी समीर के पास है। इसके अलावा 2016 में समीर वानखेड़े ने 1100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी खरीदा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की घड़ी की कीमत भी 50 लाख की बताई है, लेकिन घड़ी के बारे में वानखेड़े के परिवार का कहना है कि साल 2005 में समीर को उनकी मां ने करीब 55,000 रुपए की घड़ी गिफ्ट की थी। समीर की मां ने उन्हें घड़ी तब गिफ्ट की थी जब समीर की सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पहली नौकरी लगी थी। समीर की मां जाहिदा वानखेड़े का साल 2015 में निधन हुआ था। समीर वानखेड़े को घेरने के लिए नवाब मलिक ने उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके कामकाज पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक का आरोप है कि वानखेड़े लोगों को डरा धमका कर वसूली करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी एक प्राइवेट सेना बना रखी है। फिर कह रहा हूँ कि प्राइवेट आर्मी का खेल था, उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है ना? किसी सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। आई टेक अ ब्रेक मिस्टर नवाब, टेक अ ब्रेक। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ साथ उनकी बहन के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। नवाब मलिक ने एक व्हाट्सएप चैट के जरिए कई सनसनीखेज आरोप लगाए। जैस्मिन वानखेड़े अपना विजिटिंग कार्ड लोकल लोकेशन उसको शेयर कर रही है। दूसरा स्क्रीनशॉट में वो उससे बात कर रही है कि क्या चल रहा है, पिटाई हो रही होगी। अगर एक अपराइड अफसर उसकी बहन वकील है तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। नवाब मलिक के ये आरोप गंभीर थे, इस पर सफाई देने के लिए समीर वानखेड़े खुद सामने आए। सलमान नाम के एक ड्रग पेडलर ने मेरी बहन से संपर्क किया था, लेकिन वो एनडीपीएस के केस नहीं देखती, इसलिए उसने केस लेने से मना कर दिया। सलमान ने हमें बिचौलियों के जरिए फंसाने की कोशिश की, फिलहाल वो जेल में है। बिचौलियों ने मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत भी की थी जिसमें कुछ नहीं निकला। ड्रग्स माफिया सलमान जैसे लोगों का इस्तेमाल मेरे परिवार के खिलाफ कर रहे हैं। समीर वानखेड़े, जोनल अफसर, एनसीबी। बहरहाल ड्रग्स नेटवर्क को बेनकाब करने के नाम पर शुरू हुआ ये केस एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के खेल में बदल गया है। देखना होगा कि जाति और धर्म से होते हुए ये लड़ाई
जिस तरह कपड़ों और जूतों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में उसका कोई नतीजा निकलेगा। ABP News आपको रखे आगे।